बायोलॉग फ्रॉम के मेकर्स बहुत जालिम है, ये तुम्हें एक एक मोमेंट को फील कराएंगे। लोग कैसे तड़प रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वो तड़प तुम्हें महसूस होगी। ये तुम्हें वो फील कराएंगे कि तुम्हारे आसपास थ्रेट है, लेकिन इसके साथ साथ सामने रास्ता भी है, पर तुम गुस्ताखी नहीं कर सकते एक कदम आगे बढ़ाने की, क्योंकि डेंजर का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि आपकी हिम्मत दिखाने से पहले ही जवाब दे देगी। बायोलॉग फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 5 आ चुका है, चलो बात कर लेते हैं। और जितनी भी बहकी बहकी बातें मैं भी कर रहा था, ये सब इस एपिसोड 5 में हमें मेकर ने डिलीवर करा है। जहां रैंडल को क्रिएचर अधमरा छोड़ गए थे, वहीं से एपिसोड की शुरुआत हुई है। रैंडल को सभी लोग कॉलोनी हाउस के अंदर ले आते हैं और वो वाकई में बहुत बुरी हालत में है, जहां उसका जबड़ा भी उखड़ चुका है। उसकी हालत देखकर बाकी लोग भी डरे हुए हैं, सबकी फटी हुई है। और रैंडल यहां बॉयड से नाराज भी है कि तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया वहां पर मरने के लिए, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ दे ही रहा था। उसके बाद मैरी उसका इलाज करने की कोशिश करती है, जो अभी थोड़ी देर पहले उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है, निकी को बचाते जो मर चुकी थी। तो बाबा नाइट अब गुजर चुकी है और यह सबसे भयानक नाइट थी सभी के लिए, जहां सभी ने मौत का मंजर बहुत करीब से देखा, पहले निकी देन रैंडल के साथ, और सभी बहुत बहुत डर चुके हैं। बट टैबिथा को का वापस आना सभी के लिए एक होप भी छोड़ रहा है। दूसरी तरफ टैबिथा अपनी पूरी फैमिली से, अपने बच्चों से मिल रही है, और तभी जंगल से जेड, कैनी एंड क्रिस्टी भी वापस आ ही जाते हैं, जहां बॉयड जेड एंड कैनी को टैबिथा के बारे में बताता है कि वो वापस आ चुकी है, और कैसे आई है वो सब भी बता देता है। और ये सब मैजिकल ट्री के द्वारा हुआ है, और ये सब बाबा सभी ही जान चुके हैं, बॉयड के साथ साथ कैनी, जेड एंड ऑल एवरीवन। तभी जेड टैबिथा के पास जाता है दौड़ते हुए मैजिकल ट्री के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए, और उसे कन्विंस करता है कि दोबारा से जंगल में जाने के लिए। बट यहाँ जिम मना करता है कि ये खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि टैबिथा के बाद उन्होंने एक डार्क फेस को महसूस किया था, उसकी पूरी फैमिली ने, उसके बच्चों ने, जहां उसके बच्चे टैबिथा को ढूंढना चाहते थे, बार बार जंगल की तरफ जा रहे थे, खतरा मोल ले रहे थे, बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, और वही चीज़ जिम दोबारा से नहीं करवाना चाहता था टैबिथा के साथ। लेकिन टाउन के लोगों ने डाइनर में एक मीटिंग भी रखी थी ताकि टैबिथा से एक्चुअल रास्ता जान सके और उसकी पूरी जर्नी के बारे में जान सके कि आखिर ये सब हुआ कैसे। टैबिथा ने लोगों को सब सच बता दिया, जो भी उसके साथ हुआ था, कैसे वो मैजिकल ट्री के रास्ते लाइट हाउस पहुंची और वहां से जब वो गिरी तो उसकी आंखें कैमडन के हॉस्पिटल में खुली, एंड देन उसने विक्टर के बाप को ढूंढा और एक्सीडेंट होने के बाद वो फिर से एम्बुलेंस के साथ साथ इस टाउन में एंट्री मार जाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, सभी की शिकायत ये है कि आखिर तुम्हें जब मौका मिला बाहर जाने के लिए, तो कम से कम इस जगह के बारे में किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, खासकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ताकि हम सब यहाँ से सेफली बाहर निकल सकते थे, वो लोग हमें ढूंढते। बट टैबिथा उन्हें एक्सप्लेन कर रही है कि मेरा यकीन कोई नहीं करता, और एक्चुअली कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये मंजर हमने भी देखा, उल्टा मुझे साइको समझ कर या तो जेल में डाल दिया जाता या कहीं पर भी मुझे कैप्चर कर लिया जाता। देन तभी फातिमा कहती है कि विक्टर के बाप ने तो यकीन कर लिया, तो बाकी लोग भी कर ही सकते थे। देन विक्टर का बाप और न्यू लेडी पुलिस टैबिथा को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि एट फर्स्ट हमने इस पे यकीन नहीं किया था। पुलिस लेडी भी इससे बोलती कि इसने मुझे बहुत कोशिश करी रोकने की, पर मैंने इसकी नहीं सुनी। उसी समय जब विक्टर का बाप भी यही कहता है कि स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल भी यकीन नहीं करा, लेकिन जो मेरे सर्कमस्टेंसेस थे, मेरे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो इसने एक रिलेट करके बताया, तब जाके मुझे इस पे यकीन करना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली जो खो चुकी थी और उसके द्वारा ये वो जो क्ल्यू मिल रहे थे उस फैमिली को दोबारा से जानने के लिए। दैट्स वाई कि विक्टर के बाप को इस पर यकीन करना पड़ा और उन्होंने हार्डली सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन लोग नहीं माने, वो टैबिथा को ही ब्लेम कर रहे थे। जहां बॉयड सबको कूल एंड काम रहने की रिक्वेस्ट कर रहा है कि शांति से रास्ता ढूंढा जाएगा, बट सभी लोग बस मैजिकल ट्री से इस टाउन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां डेल की बहस बॉयड से हो जाती है और वो भाग जाता है मीटिंग को छोड़कर बीच में ही। इसी बीच फातिमा फिर से सड़ी गली सब्जियां खा रही थी कि पीछे से एलिस भी आ जाता है, एंड फातिमा उसे एक्सप्लेन करती है कि जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो सही नहीं है, मुझे ये सब खाने पर मजबूर कर रहा है और मुझे कन्वर्ट होना पड़ रहा है। दूसरा, थोड़ी देर पहले डाइनर में फातिमा ने एग्रेसिवली टैबिथा एंड बॉयड दोनों को हिट किया था, बुरी तरीके से बहस किया था कि यहाँ से निकलना है एनी हाउ, और वही चीज़ एलिस को दोबारा से रिपीट करती कि दैट्स वाई आई डोंट वांट टू स्टे हेयर एनी मोर। दूसरी तरफ विक्टर, जिसे डोना ने बता दिया कि तेरा बाप यहाँ पर आ चुका है, पहले तो वो यकीन नहीं करता, क्योंकि इतने सालों बाद अचानक से ये सब होना उसके लिए एक सपना सा ही है, और उसे अपने फादर से शिकायत भी है कि इतने सालों से भला उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी, इतनी आसानी से गिव अप क्यों कर दिया। दूसरी तरफ विक्टर के बाप को भी कहीं ना कहीं गिल्ट है कि काश मुझे अपनी फैमिली को ढूंढते रहना चाहिए था, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए था। उसके अंदर भी झिझक है कि आखिर मैं अपने बेटे को फेस कैसे करूंगा इतने टाइम के बाद,
जब मैंने उसे गिव अप ही कर दिया था। एंड आफ्टर ऑल विक्टर एंड उसके बाप का भरत मिलाप होता है, और बाबा ये वाला मोमेंट बहुत सॉलिड इमोशनल था। मेकर ने फील कराया एक एक चीज को जो वो करा सकते थे, कि दोनों की तरफ से क्या सिनेरियोज हैं, और उन सिनेरियोज के बाद भी जब वो मिलना होता है तो वो कैसी झिझक और गिल्ट रहती है। ये वाकई में बहुत पावरफुल शॉट था ये वाला मोमेंट। मेरे आंसू भी निकले बाबा इसमें। एक एक मोमेंट जो मैं फील कर रहा था वो आप भी फील करोगे। एक बाप की तरफ से क्या गिल्ट हो सकता था, हो सकता है, और एक बेटे की तरफ से क्या गिल्ट हो सकता है। एवरीथिंग, एक एक मोमेंट बेस्ट पार्ट था इस एपिसोड का। ये आपको भी बहुत बहुत प्यारा लगेगा। उधर आफ्टर द डाइनर मीटिंग जेड ने टैबिथा को कन्विंस कर लिया उस मैजिकल ट्री तक जाने के लिए, जहां स्टार्टिंग में जिम मना भी करता है, लेकिन टैबिथा उसे प्रॉमिस देती है कि वो ट्री में नहीं जाएगी, सिर्फ जेड को रास्ता दिखाएगी, और वो दोनों निकल जाते हैं। एंड उसी मैजिकल ट्री पर पहुंचकर बॉटल से मिली पर्ची को कलेक्ट कर रहे थे, जहां एक बार के लिए उन्हें ये प्रीवियस डेट भी लगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मिस्ट्री इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है। हर बॉटल पर पर्ची मिलना ये वही नहीं हो सकता। इनका कनेक्शन इस पेड़ के रास्ते से हो सकता है, क्योंकि मैजिकल ट्री जरूरी नहीं है कि हर बार वो लाइट हाउस में ही भेजेगा या फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही देगा। क्योंकि इससे पहले जब बॉयड इस पेड़ के अंदर गया तो उसे एक चिमनी में छोड़ा इस पेड़ ने, और बॉयड मरते मरते बचा था वहां से, लेकिन टैबिथा को लाइट हाउस में भेजा आई डोंट नो कैसे, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा है। इसी बीच एक एक्सपेरिमेंट और देखने को मिला इसी पेड़ के साथ। टैबिथा एंड जेड को फॉलो करते हुए इस मैजिकल ट्री तक डेल भी पहुंच जाता है, और वो किसी की नहीं सुनता और पेड़ के अंदर चला जाता है। एंड उसे पेड़ ने लाइट हाउस नहीं भेजा बल्कि टाउन में पूल की दीवार में चुनवा दिया, जस्ट लाइक अनार गली, और ये मारा गया वहां पर। तो वो मैजिकल ट्री और उस पे लटकी बॉटल्स एंड उन बॉटल्स में इतनी सारी पर्चियों का मिलना, और ये सारी पर्चियां विक्टर की माँ मिरांडा ने ही रखा होगा मे बी, और इन सारी पर्चियों को जेड एंड टैबिथा ने अगर डिकोड कर लिया तो मे बी ये मैजिकल ट्री को समझने में इन्हें आसानी हो जाएगी, ताकि वो एक यहाँ से रास्ता निकाल सके इन सारी पर्चियों के, वे शायद ये डायरेक्शन का काम कर सकती है। देखते हैं बाबा एपिसोड 6 कितने सरप्राइजेज और लेकर बैठा है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे एक किसी और वीडियोज में, जहां ये सारी थ्योरी को डिकोड भी करेंगे। लेकिन बाबा इस एपिसोड में एक बंदे ने दिल लूट लिया है बुरी तरीके से, वो है बॉयड। क्या रोल प्ले कर रहा है ये बंदा, सभी को संभालने का काम, एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को भूलकर सभी को बचाने का काम कर रहा है। लेकिन टाउन के पीपल अब इसकी उतनी सुन नहीं रहे हैं, जिस पर तुम्हें गुस्सा भी आएगा कि हटा साले को मरने दो, अब तुझे क्या पड़ी है इतनी। और उसने एट लास्ट फ्रस्ट्रेट होके यही किया आफ्टर द डाइनर मीटिंग। डेल ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करी, वो पेड़ के अंदर गया जिसे बॉयड ने बहुत रोकना चाहा, और वो मारा गया, वो भी बुरी तरीके से। तब जाके बॉयड को गुस्सा भी फूटा, और उसपे गुस्सा भी आया टाउन के लोगों पर, और उसने दिखाया कि आखिर वो क्यों सबको रोक रहा था, क्यों वो इतनी केयर कर रहा था, और वो सबको मरने से बचा रहा है लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। बाबा माइंड ब्लोइंग एपिसोड था ये, और ये डेफिनेटली 6th एपिसोड और भी धांसू होने वाला है, और आगे की आने वाली कहानी और भी ऑसम होने वाली है। देखते हैं यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, आपने भी एपिसोड देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। एंड बाबा फिलहाल सपोर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन का काम करता है, ताकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी ही हॉरर थ्रिल साईफाई वेब सीरीज जो मिस्ट्री ढेर सारा है, बाबा रियल कॉन्टेंट ओरिएंटेड स्टोरी जिसको पसंद है ऐसी, तो उनको भी शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।